गाइस इट्स फैब किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बताएंगे कि दही कैसे जमाना है सर्दियों के सीज़न में। सर्दियों के सीज़न में दही परफेक्ट जम नहीं पाती है, जिससे दही खट्टी भी होती है और अच्छे से जम नहीं पाती। तो चलिए हम बताते हैं। तो आज हम अपने घरों का टिप्स बताएंगे कि घर में ही बहुत सिंपल तरीके से गहरी दही कैसे जमाई जाती है। देखिए कितनी मलाईदार वाली दही है और बहुत ही ज़्यादा मीठी है। तो ट्रिक्स के साथ हम बताएंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे दही जमाई जाती है। देखिए है ना, ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी दही, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएंगे। तो यहाँ हम लिए हैं 2 kg दूध लिए हैं। तो दूध हम यहाँ पे फुल फैट दूध लिए हैं, आप चाहे तो कोई भी नॉर्मल दूध ले सकते हैं जो अवेलेबल हो आपके पास। तो हम दूध को उबाल लेते हैं, उबालने के लिए चढ़ा लिए हैं। तो दूध में एक उबाल आने के बाद हम इसको फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हम 5 से 7 मिनट के लिए दूध को अच्छे से उबाल लेंगे। तो दूध अच्छे से बॉईल हो गया है, देखिए दूध को एक दो बार चला भी लेंगे। तो इसको एक दो बार अच्छे से चला लेते हैं। तो बस यहाँ पे हम गैस को ऑफ कर देंगे। गैस को ऑफ करके हम 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए दूध को रख देंगे, जब तक एक परत ना आ जाए। मलाई का एक परत आ गया है, तो दूध को हम ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, लुक वाटर ही रखेंगे, बिल्कुल हल्का गर्म। इसे फेंट लिए हैं 2 कटोरी ग्लास से, आप जिससे भी चाहें। देखिए कितना अच्छे से झाग आ गया दूध में, ये प्रोसेस करना ज़्यादा ज़रूरी है। दूध को आप अच्छे से फेंट लें। इतना हम दही लिए हैं, जिससे सर्दियों में हम थोड़ा ज़्यादा दही ऐड करेंगे। तो बस अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके 1 चम्मच दही को, यहाँ दही भी फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल भी खट्टी दही नहीं होगी, नॉर्मल दही अच्छी दही होगी तो दही अच्छी जमेगी। तो 1 चम्मच करके हम चारों साइड से दे देंगे। तो बस अब हम 4-5 साइड दे देंगे। तो इसको हल्के हाथ से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे झाग भी जो आया है ऊपर में वो ख़त्म ना हो जाए। तो ऐसे ही हम मिक्स कर लेंगे। अब मेन स्टेप जो है दही जमाने का, यहाँ पे हम कोई भी अच्छे से प्लेट से कवर करके ढक देंगे। पर इम्पॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे ये है कि इसको रखना है बहुत ही गर्म साइड में, जहाँ पे बिल्कुल भी हवा ना लगे। तो यहाँ पे हम विंटर ब्लैंकेट लिए हैं, हल्का पतला है गर्म वाला। तो बस हम इसको हम कवर करके इसको अच्छे से, जिससे बिल्कुल भी हवा ना जाए, इसको हम 8 घंटे के लिए रख देते हैं। तो 8 घंटा हो गया है, दही मेरा परफेक्ट जम गया है। हम आपको काट के दिखाते हैं ये कितना अच्छा जमा है, देखिए कितना अच्छा जमा है ना, परफेक्ट दही एकदम। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करके मुझे बताएं कैसी लगी आपको मेरी वीडियो।
देखिए कितना अच्छा है, और वो जो फैन था फेटा हुआ उससे अच्छा आया मलाई।